सो हाई वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी. आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवरेज और मीडियम प्लेसमेंट्स में, एवरेज एंड मीडियम पैकेज में क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. वेन एवर यू लुक फॉर अ कॉलेज, वट यू नीड टू कंसिडर वन इट कम्स टू देयर प्लेसमेंट रिपोर्ट. लेट्स स्टार्ट. सो इफ़ यू आर एन MBA एस्पिरेंट, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. सो वेलकम बैक टू दिस एपिसोड एंड वील स्टार्ट दिस एपिसोड विद द वेरी फर्स्ट थिंग. जब भी आप कोई कॉलेज सेलेक्ट कर रहे होते हो, ऑलवेज लुक फॉर अ मीडियम पैकेज इंस्टेड ऑफ एवरेज पैकेज, क्योंकि जो एवरेज पैकेज होता है वो कई बार कई तरह से इन्फ्लेटेड होता है, क्योंकि उस पर यू नो लेट्स से किसी कॉलेज में हाईएस्ट पैकेज 50 लाख का चला गया है तो एवरेज पैकेज काफ़ी ज़्यादा अलग दिखेगा. किसी कॉलेज का एवरेज पैकेज लेट्स इन केस 1 करोड़ का इंटरनेशनल चला गया है, क्योंकि वो उसको वहाँ की करेंसी नहीं, वो इंडियन करेंसी में ही कैलकुलेट करेंगे, तो वहाँ पे वो पैकेज काफ़ी इन्फ्लेटेड शो होगा. और आप कई सारे कॉलेजेस को देखेंगे तो मीडियम पैकेज बताते भी नहीं हैं, दे ओनली स्पेसिफाई देयर एवरेज पैकेज. सो दैट इज़ द वन थिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेनेवर यू आर लुकिंग फॉर द प्लेसमेंट्स रिपोर्ट. आपको रीवेरीफाई तो करना ही है स्टूडेंट्स के साथ साथ, बट आप अगर वेबसाइट्स को भी कंसिडर कर रहे हैं तो ऑलवेज लुक द मीडियम पैकेज. मीडियम पैकेज इज सिंपल जो ऑल इन ऑल मेजरली यू नो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मिला है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज का 7 से लेके 12 लाख के बीच का पैकेज है, उसका जो मीडियम पैकेज होगा दैट इज समथिंग यू नो जो मेजर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को उस ब्रैकेट में मिला होगा. अब यहाँ पे एवरेज पैकेज कैन बी मिसलीडिंग बिकॉज ऑफ इट्स इन्फ्लुएंस बाय फ्यू वेरी हाई और लो ऑफर्स, बट मीडियम पैकेज विच इज मिडिल वैल्यू एंड पैकेजेस आर लाइन अप गिव्स अ बेटर आइडिया व्हाट मोस्ट स्टूडेंट्स एक्चुअली गेट. अब सिग्निफिकेंस ऑफ मीडियम पैकेज क्या है, इससे आपको ज़्यादा समझ में आता है कॉलेज में ज़्यादातर पैकेजेस स्टूडेंट्स को क्या मिलते हैं, बेटर कंपेरिजन आप कर सकते हो कॉलेजेस टू कॉलेजेस के बीच में. एग्जाम्पल, टॉप कॉलेजेस ऑफन डिस्क्लोज बोथ मीडियम एंड एवरेज सैलरी, इनेबलिंग स्टूडेंट्स टू गॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफर्स एंड असेस आउटलाइनर्स. तो सिंपल सी चीज़ है, कई सारे कॉलेजेस स्पेसिफाई करते हैं, अगर स्पेसिफाई करते हैं ये तो यू हैव टू चेक. अब कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी होता है दैट कैलकुलेट कैसे होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि एक एक्स कॉलेज है और उस एक्स कॉलेज के जो पैकेजेस ऑफर हुए हैं ए बी सी डी ई स्टूडेंट्स को, दैट इज 11, 10, 13, 12 and 14 लाख रिस्पेक्टिवली. तो जब हम एवरेज पैकेज को फाइंड करेंगे तो हम इन सारे जितने पैकेजेस हैं उनको सम करेंगे. लेट्स से अगर इसमें 14 की जगह 1 करोड़ है तो हम उसको भी ऐड करेंगे एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो 60 divided by 5 इज लाइक 12 लाख का एवरेज पैकेज उस कॉलेज का हो गया. वेर इज मीडियम पैकेज को फाइंड करने के लिए क्या रहेगा कि सेम वही एग्जाम्पल लेंगे एक्स कॉलेज में 10, 11, 12, 13, 14 तो हम मिडिल टर्म क्या लेंगे, दैट इज 12 लाख. तो इनका जो मीडियम पैकेज है वो कहीं ना कहीं उसका मीडियम पैकेज हो जाएगा. अब अगर आप एवरेज पैकेज में ये कंपेयर करके रखो कि किसी को 5 मिला है, किसी को 15 मिला है, किसी को 20 मिला है और किसी को 1 करोड़ इंटरनेशनल पैकेज मिल गया है, तो एवरेज पैकेज कई बार हाईएस्ट पैकेजेस जो टॉप 2-3 होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेटेड हो जाता है. वेर इज़ मीडियम जो है वो आपको रियल आइडिया देता है कि उस कॉलेज में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्या पैकेज मिल रहा है. कंसिडरेशन बियॉन्ड एवरेज एंड मीडियम और सो भी कई सारी चीज़ें हैं. यू नो पैकेज के बाद प्रोफाइल कैसी आती हैं, पर्सनलाइज इनसाइट्स, बिकॉज यू नो यूजुअली कॉलेजेस में प्लेसमेंट के नाम पे स्टूडेंट्स को सिर्फ सेल्स जॉब ही मिल रही होती है, भले वो फाइनेंस ले ले, भले वो IB ले ले, भले वो HR ले ले, तो ऐसा नहीं हो डाइवर्स दो. दिस इज फॉर श्योर कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जॉब सेल्स की हैं, बट देयर शुड बी ऑप्शन. मतलब एक कॉलेज में आप ये मान के चलिए 30-40% profiles अच्छी आनी चाहिए एंड रेस्ट अगर सेल्स भी है तो देन दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज मार्केट में सेल्स की जॉब ज़्यादा है. बट कई सारे कॉलेजेस में 30-40% प्रोफाइल्स भी अच्छी नहीं होती हैं. सीनियर से बात करिए, एलुमनाई नेटवर्क को रीच आउट करिए एंड देन डिसाइड कीजिए. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.